नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शनिवार और डेट है अगस्त 19, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हम फ्रंट पेज से उठाने जा रहे हैं, तो नो सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डाटा। क्या खबर है मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में क्या हुआ था कि 6 जून को 2022 में, जब 2022 पिछले साल की बात करेंगे, तो 6 जून को जो बिहार की गवर्नमेंट थी वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके तहत 500 करोड़ रुपए की लागत लगाकर एक कास्ट बेस्ड सर्वे कराया जाना था बिहार के अंदर। उसके बाद जो पेट्रिशनर हैं, जो चैलेंज करते हैं इस सर्वे को, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को, वो पटना की हाई कोर्ट पहुंचते हैं और 1 अगस्त 2023 को जो पटना की हाई कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है पिटीशन को, अगेंस्ट जो कास्ट सर्वे के खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई थी। उसके बाद अगस्त 6, 2023 को जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाता है और इस सर्वे की जो भी डाटा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है और गवर्नमेंट जो डाटा है उसे अपलोड करना चालू कर देती है। तो इसके बाद जो पेटिशनर पटना हाई कोर्ट गए थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ताकि ये जो डाटा है ये ना पब्लिश किया जाए, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पहुँच कर वो जाके जो कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हुआ है क्योंकि जो सर्वेयर्स हैं वो घर जा जाकर लोगों से उनकी कास्ट पूछ रहे हैं। तो ये बेसिकली कहा गया है पेटिशनर द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगाने से मना कर देती है कि जो बिहार गवर्नमेंट का ये फैसला है सर्वे कराने का, इसे वैलिड प्रूफ कर देती है सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जो स्टे के लिए मांग की जा रही थी उस स्टे को लगाने से मांग, उस स्टे को लगाने की मांग खारिज कर दी जाती है। तो बेसिकली यही है इसमें न्यूज़ में। मैंने आपको समझा दिया कि क्या हुआ था कि ये कास्ट सर्वे था जो बिहार में हुआ था, अब उसी के डाटा को लेकर, ताकि उसका डाटा पब्लिश ना हो, इसको लेकर जो पेटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे हाई कोर्ट के बाद, पटना हाई कोर्ट के बाद, जब वहाँ से उन्हें एक तरह से रिलीफ नहीं मिला था तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है, मतलब स्टे नहीं लगाया है, मना कर दिया है स्टे लगाने से किसी भी ऐसे जो पिटीशन फाइल की गई थी। राइट टू प्राइवेसी इफेक्ट होता है ये कहा गया था पिटीशनर द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करके स्टे लगाने से मना कर दिया। यही थी बेसिकली न्यूज़। अब कास्ट सेंसस हो चुका है कंप्लीट बिहार के अंदर और जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की जो डाटा है उसे कोलेक्ट कर रही है, साथ में जोड़ रही है और उसके बाद उस डाटा को रिलीज़ किया जाएगा। इसमें 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये जो सर्वे हुआ था बिहार के अंदर इसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आधार कार्ड का क्वेश्चन था वो वॉलेंट्री रखा गया था। आगे जो न्यूज़ आ रही है तो मणिपुर से न्यूज़ आ रही है। तो अभी तक क्या देखने को मिला है, पिछले 3 महीने, अगर हम 3 मई 2023 से बात करेंगे तो मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला है और ये वॉयलेंस देखने को मिला था सबसे ज़्यादा किन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मीती की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया हैं वो कुकी के एरियाज जो हैं, वो कुकी डोमिनेटेड एरियाज हैं, वो ज़्यादा इफेक्टेड हैं। लेकिन अभी देखने को मिला है कि एक फ्रेश इंसिडेंट आया है वॉयलेंस का, जिसमें 3 ऐसे गांवों को टारगेट किया गया जहां पर कुकी हैं, लेकिन वो जो 3 गांव हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट एरिया है। तो पहली बार ये देखने को मिला कि नागा डोमिनेटेड एरियाज में भी जो वायलेंस की घटना देखने को मिली है। जो सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस के, तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 3 लोग थे जो नागा के इस गांव में, इस गांव का नाम है थवाई कुकी विलेज जो कि उखरूल डिस्ट्रिक्ट में है और जो उखरूल डिस्ट्रिक्ट है वो नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर गांव है जिसका नाम है थवाई कुकी, वहाँ पर कुकियों का बसेरा है उस गांव में। तो उसी गांव से खबर आ रही है कि 3 जो गार्ड्स थे वहाँ बैठे हुए थे, जो वॉलेंटियर थे जो गार्डिंग कर रहे थे बंकर में बैठ के, उनकी हत्या कर दी गई 3 लोगों की बंकर के अंदर ही। तो
गोली मारकर और साथ ही साथ धारदार हथियारों से उन पर हमला कर कर उनकी हत्या कर दी गई करीबन सुबह 5 बजे कल। तो इसी को लेकर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनका कहना है कि जो अभी किलर्स हैं वो अभी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन सस्पेक्ट यही है कि जो मीती हैं, मीती समुदाय, उसी के मिलिटेंट्स ने ये अटैक करवाया होगा। यही है बेसिकली। आगे चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो आगे हम चंद्रयान 3 से न्यूज़ देख रहे हैं। तो जिसने कल हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था, तो कल उसे याद होगा कि चंद्रयान 3 जो है मिशन, जो भारत का, उसमें से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो और साथ ही साथ जो लैंडर मॉड्यूल है, तो दोनों सेपरेट हो गए थे। कल ये न्यूज़ में था, आज न्यूज़ में है कि जो सेपरेट हुआ था लैंडर मॉड्यूल वो डी बूस्टिंग करके अपनी ऑर्बिट छोटी करने लगा है। डी बूस्टिंग का बेसिकली मतलब है कि वो अपनी पावर को थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब जो उसके अंदर बूस्ट होता है उसे थोड़ा छोड़कर वो अपनी ऑर्बिट को और नीचे की तरफ और चंद्रमे के पास की तरफ करता जा रहा है। ये पहली डी बूस्टिंग एक्टिविटी थी ये जो हमारे लैंडर प्रोपल्शन ने की। इसके बाद अगली जो डी बूस्टिंग ऑपरेशन करवाया जाएगा तो वो करवाया जाएगा अगस्त 20 को। और इसके बाद क्या होगा कि 23 अगस्त को देखने को मिलेगा कि जो लैंडर है वो हमारे जो रोवर को कैरी कर रहा है, जो एक रोवर कैरी कर रहा है लैंडर अपने अंदर, लैंडर प्रोपल्शन, वो चंद्रमे की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा 23 अगस्त को करीबन 5:47 पर शाम के। तो यही देखने को ये न्यूज़ में बना रहता है। आपको जो जानना है वो आपको ये याद रखना है। मैं आपको एक बार सीरीज से बता देता हूँ कि सबसे पहले भारत के अंदर से रॉकेट, एक रॉकेट के थ्रू रॉकेट में ये पेलोड लोड किया जाता है जिसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है, साथ ही साथ एक लैंडर मॉड्यूल होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद जब ये रॉकेट अर्थ की ऑर्बिट पर घूमने लगता है, स्पेस पर पहुंच के अर्थ के ऊपर, तो ये अर्थ की ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अपना एक तरह से ये ऑक्सीलेट करता है अर्थ के चारों तरफ और अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे बड़ा करता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जब इसकी एनफ बड़ी हो जाती है ऑर्बिट, तो ये हल्की सी बूस्टिंग करके अपनी ऑर्बिट चेंज करके मून की ऑर्बिट के लिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट कहेंगे मून का, तो वहाँ पर ये पहुँच जाता है। और वहाँ से अब ये मून की मैनोवर में, जो मून की ऑर्बिट है उसके पास पहुँच जाता है और उसके चारों तरफ घूमना चालू कर देता है। अब परसों देखने को मिला था कि जो ऑर्बिट, जो मून की ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते हुए ही एक स्टेप लिया गया कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसे लैंडर मॉड्यूल से अलग कर दिया गया, क्योंकि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका काम है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो करीबन 3 से 6 महीने की रखी गई है, जिसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है, एक ऐसी डिवाइस जिससे वो एक्सोप्लैनेट्स को देख सके, ढूंढ सके कोई एक्सोप्लैनेट अगर उसे नज़र आए, साथ ही साथ अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर भी वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू नज़र बनाए रहेगा। 3 से 6 महीने के लिए जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसकी जो पेलोड है उसकी लाइफ लाइन रहेगी, और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है जो सेपरेट हुआ है वो जाकर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहाँ रोवर को उतारेगा। जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है इसकी जो लाइफ टाइम रखा गया है वो 14 दिन का रखा गया है, जो कि एक लूनर डे होता है। अगर चंद्रमे का एक दिन जो होता है वो अगर हम पृथ्वी पर देखेंगे तो 14 दिन के बराबर होता है। यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आगे हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो हम डायरेक्टली पहुँचते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। तो पहला एडिटोरियल जो हम कवर करने जा रहे हैं, द इशू इज़ नॉट अबाउट इंडियाज़ GDP बट इट्स JDP। तो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें एडिटोरियल में। तो शुरू में ये बात करते हैं कि अभी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा था कि जो भारत की GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डबल डिजिट्स में बढ़ने जा रही है आगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था, दावा किया था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक है, वो सब भारत की तारीफ करते हैं भारत की इकोनॉमिक्स पर। इसी के विरोध में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले रह चुके हैं पी चिदंबरम, उन
उनका बयान आया था कि जो जीडीपी ग्रोथ है, एनुअल जीडीपी ग्रोथ है भारत के अंदर आज के टाइम पे, वो पिछले जब यूपीए का टाइम था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जब हेड कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, जो जीडीपी ग्रोथ थी भारत की वो ज़्यादा थी। ये दोनों की डिबेट होती है। अब ये यहाँ पर एडिटोरियल में कहते हैं कि केवल जीडीपी की ग्रोथ आ जाने से ये नहीं होता कि जो जॉब पोटेंशियल है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ गया है। तो ये एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है, जो अगर हम जीडीपी के टर्म्स में नापेंगे तो वो बहुत तेज़ बढ़ रही है, जैसा कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का दावा है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर भी जो डिमांड है वर्क करने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इनका बेसिकली कहना ये है इस एडिटोरियल में कि जो जीडीपी ग्रोथ है इस टाइम पर भारत के अंदर, जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो भले ही जीडीपी ग्रोथ करती हुई दिखा रही है, लेकिन जो जॉब्स है वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। आगे ये बात करते हैं कि जब 1980 से 1990 का जब टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे 1% अगर जीडीपी ग्रोथ होती थी तो 2 लाख फॉर्मल जॉब्स मिलती थी। उसके 10 साल बाद वो 1 लाख हो गई, घट गई। उसके 10 साल बाद, तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हर 10 साल का हम अगर डिकेड देखेंगे तो जो फॉर्मल जॉब्स हैं, 1% जैसे जीडीपी मान लीजिए 5% से 6% की ग्रोथ हो जाती है 1% की ग्रोथ पे, तो अगर अगर हम 1980 से 90 तक के बीच में देखेंगे तो हमें 1% ग्रोथ पे 2 लाख फॉर्मल जॉब्स मिलती थी, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और ये केवल बात करते हैं कि ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक तरह से उजागर होती जा रही है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो जॉब बनाने की संख्या है, जो फॉर्मल जॉब्स दे पाने की जो क्वांटिटी है इकोनॉमी की, वो घटती जा रही है। अब इसका इन्होंने रीज़न जो दिया है, तो रीज़न इन्होंने कुछ दिए हैं, जैसे ऑटोमेशन एक रीज़न है, और जो रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू मशीन्स के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ऑटोमेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आम जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसकी बजाय एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जॉब करता जा रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जो फॉर्मल जॉब्स बनानी चाहिए उस ग्रोथ को भारत के अंदर या विश्व के अंदर वो नहीं बन पा रही है। आगे बात करते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल की। तो हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ है जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये पार्लियामेंट के अंदर बिल आया है। तो इस बिल की ये बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि जो विश्व है, विश्व में क्या देखने को मिल रहा है कि विश्व जो कोयले या पेट्रोल से चलता था अभी, तो आगे जब बात होगी मोबिलिटी जो है, जो चेंज होने जा रहा है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में चेंज होने जा रहा है, कि आगे की चीज़ें जो हैं जैसे कार या बसेस वगैरह वो डीजल या पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलने जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड जो है वो उसी दिशा में आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए, नोट करने के लिए, भारत के लिए क्या बात है कि जो फाउंटेन हेड है, जिसके तहत जो बिजली से चीज़ें चलेंगी, उसका जो फाउंटेन हेड है वो है मिनरल्स, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ। तो इन सब, ये फाउंटेन हेड होगा, इसी के ऊपर टेक्नोलॉजी रखी जाएगी, तभी जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसे पाया जा सकता है। तो इन्होंने फाउंटेन हेड जो कहा है वो मिनरल्स को कहा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत में न्यू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2023 में, तो ये उसी की बात करते हैं कि भारत को देखना पड़ेगा कि इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें भी एक्सप्लोरेशन का मौका मिले। अब ये चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का क्या है, चाइना डोमिनेट करता है सप्लाई चेन में इन रेयर अर्थ मेटल्स की, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट या अदर रेयर अर्थ मेटल्स की। और चाइना क्यों करता है कि चाइना क्या करता है, जैसे चाइना ने अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश माउंटेन है वहाँ पर तालिबान की जो रेजाइम है उसके साथ पैक्ट किया है एक। अब हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से अभी एक खबर आई है कि ट्रिलियन डॉलर्स के
अमाउंट का करीबन वहाँ पर लिथियम और अदर मिनरल मौजूद है जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। तो ये बात करते हैं कि चाइना पहले ही अपने स्टेप्स चलता रहता है। अब ये भारत के लिए बात करते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया ने अभी तक अपने भारत के अंदर 10% तक भी एक्सप्लोर नहीं किया है कि भारत का कितना मिनरल का पोटेंशियल होगा। अभी तक भारत ने इसका केवल ये समझ लीजिए कि 10% भी नहीं किया है एक्सप्लोर कि भारत के अंदर कितना मिनरल्स अवेलेबल है। तो पहली चीज़ तो यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसे बढ़ा देना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस में मिला है तो जो हमारा हिमालय रेंज है वहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे बहुत सारे। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि समुद्र के किनारे जैसे 7,000 किलोमीटर हमारी जो सी लाइन है, कोस्ट लाइन हमारी करीबन भारत की 7,000 किलोमीटर है, तो 7,000 किलोमीटर की है तो करीबन बहुत सारी चीज़ें जो डीप सी माइनिंग से भी भारत ले सकता है मिनरल्स को, और उसके लिए हमें बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ को और साथ ही साथ चीज़ों को देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब ये आगे बात करते हैं कि जो नया मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है तो ये प्रॉमिस करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है एक्सप्लोरेशन में मिनरल्स के उसे बढ़ाने जा रहा है। अब ये आगे बात करते हैं कि जो माइनिंग है तो माइनिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जॉब्स की हम बात करते हैं कि माइनिंग क्या करता है कि माइनिंग बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है, और जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो बेसिकली किसके लिए, जो ऑप्रेस्ड कास्ट होती हैं जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनके लिए ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ ये बात एक चीज़ करते हैं कि आपको जो इम्पोर्टेंट एक बात करते हैं ये कि 80% जो वर्कर हैं मनरेगा प्रोग्राम के अंदर वो दलित, ट्राइबल और बैकवर्ड कास्ट के ही हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मल जॉब्स हैं भारत के अंदर, जो अच्छी जॉब्स हैं, वो सब अपर कास्ट के, हायर कास्ट के जो लोग हैं उन्हीं के पास मैक्सिमम पाई जाती हैं। अब आगे जब चेंज द डिस्कोर्स की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि अब हमें ब्लाइंडली ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, बल्कि हमें बात करनी चाहिए कि कैसे हम जीडीपी ग्रोथ के साथ जॉब का पोटेंशियल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और हमें जेडीपी की तरफ मूव करना चाहिए जीडीपी से। तो जेडीपी की फुल फॉर्म इन्होंने जे दी है तो जॉब्स डाटा प्रोडक्ट, कि जॉब्स डाटा प्रोडक्ट पर हमें मूव करना चाहिए बजाय जीडीपी ग्रोथ रेट देखने के। ये बात करते हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है तो ये बेसिकली बैंक हैं और ये संस्थान हैं, इन्हें पैसे से ही मतलब है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये हमारे लीडर्स हैं और इन्हें जो बात करनी चाहिए वो जीडीपी ग्रोथ के टर्म पे केवल बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें बात करनी चाहिए जॉब्स डाटा प्रोडक्ट के टर्म्स पर। आगे हम चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। तो मैटेरियल कंसिडरेशन, एक ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि शुरू से स्टोरी ये है कि साउथ कोरिया में कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी वीडियो और डाटा पब्लिश किया जर्नल्स में अलग अलग। और क्या था ये, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक मटेरियल है जिसका नाम है LK99, तो इस मटेरियल पर रिसर्च की और उन्होंने दावा किया कि ये जो मटेरियल है ये रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये उन्होंने दावा किया था। लेकिन अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने जब इस मटेरियल पर रिसर्च की LK99 के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, और जो क्लेम था जो साउथ कोरिया का उसे साइडलाइन करके रख दिया है। तो अब क्यों चाहिए हमें सुपर कंडक्टर मटेरियल, आप ये जान लीजिए। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या करेगा रूम टेम्परेचर पे, अभी क्या होता है कि बिजली जब सप्लाई होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर तो बहुत सारा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बिजली सप्लाई में, जिसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा लॉस होती है। जो इसकी तो जब लॉस हो जाती है, जैसे मान लीजिए 100% बिजली यहाँ से पॉइंट ए से छोड़ी गई पॉइंट बी की तरफ, अब जिस मटेरियल में वो बिजली ट्रेवल कर रही है वो मटेरियल खुद का कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा उस बिजली के ऊपर और बहुत सारी बिजली लॉस हो जाएगी। तो देखने को क्या मिलेगा, केवल 60% बिजली ही पॉइंट बी पर पहुंच पाई,
उसी को लेकर जो साइंटिस्ट हैं वो एक ऐसा मटेरियल खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जो सुपर कंडक्टर की रेंज में आए रूम टेम्परेचर पे, जिसकी जो रेजिस्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत कम हो और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो उसी को लेकर साउथ कोरिया के इस ग्रुप ने LK99 जो मटेरियल है इसके लिए कहा था कि ये सुपर कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब रिसर्च की गई साइंटिस्टों द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। आगे हम चलते हैं, यही था बेसिकली, आगे हम चलते हैं। तो एक UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के पास एक RTI आई थी, RTI की क्वेरी, तो जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन है वो रिप्लाई करती हैं। तो हम थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं पहले। तो 25 स्टूडेंट्स सुसाइड सिंस 2018 आर रैगिंग रिलेटेड, UGC सेज इन RTI रेस्पॉन्स। तो RTI का रेस्पॉन्स देते हुए जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन है वो कहती है कि 25 छात्रों ने सुसाइड की, रेजिंग जो रैगिंग है उससे रिलेटेड मसलों के ऊपर 2018 के बाद से। तो उनमें से जब पाया गया तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु से चार ऐसे मामले देखने को मिले, दोनों में से चार चार, उड़ीसा से तीन, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से दो दो ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें रैगिंग से रिलेटेड सुसाइड की बात है। तो टोटल भारत के अंदर जब हम देखेंगे तो 25 स्टूडेंट्स की ऐसी सुसाइड की बात आई है करीबन पिछले 5.5 सालों में जो रैगिंग रिलेटेड है। तो ये UGC का एक तरह से RTI रेस्पॉन्स है। अब यहाँ एक कोटा से न्यूज़ आ रही है। तो कोटा में क्या किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र बहुत ज़्यादा तैयारी करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे तो 10th के बाद ही चले जाते हैं, कुछ लोग 12th के बाद जाते हैं। तो वहाँ पर जो कोचिंग हब्स हैं वहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत हाई माना जाता है। इसी के तहत क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते थे, घर वालों के एक्सपेक्टेशन को नहीं हैंडल कर पाते थे, और जो फीस दी जाती है बहुत ज़्यादा जमा होती है, साथ ही उनके रहने का जो खर्चा उसे हैंडल नहीं कर पाते और स्ट्रेस में चले जाके डिस्ट्रेस में होकर वो सुसाइड कर लेते थे। तो उसी सुसाइड को रोकने के लिए, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की गई है कोटा में कि जो भी पंखे होंगे उनमें एक स्प्रिंग लगी होगी, अगर 20 किलो से कोई ज़्यादा की चीज़ उस पंखे से लटकती है तो वो स्प्रिंग खींच के नीचे आ जाएगी और फ्लोर तक जो भी चीज़ लटकी होगी वो टच कर जाएगी। साथ ही साथ एक रिंग अलार्म बज जाएगा जिससे सुसाइड के बारे में अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है ऐसा तो पता चल जाएगा। ये सब हॉस्टल्स को एक तरह से सर्कुलर जारी किया गया है और हॉस्टल्स में ऐसे पंखे अब लगाए जाएंगे। आगे हम चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं शिमला से है, ये रेस्क्यू मिशन चालू है, NDRF पर्सनल्स हैं जो और लोकल रेजिडेंट मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं शिमला में। अब क्या देखने को मिला है हमें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश को नेचुरल कैलमिटी अफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखने को मिला था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है, वहाँ पर रोड हाईवे सब टूट गए हैं और बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ है, करीबन 330 लोगों की अभी तक वहाँ पर मृत्यु हो गई है बारिश और इनकी फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से करीबन 12,000 घर डैमेज हो गए हैं और टोटल जो लॉस लगाया जा रहा है तो करीबन 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसी को लेकर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को नेचुरल कैलमिटी अफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। आगे हम चलते हैं। तो बिजनेस सेक्शन से हम देखते हैं, तो साइंस ऑफ रिवाइवल एमिट ट्रेड स्लम। अब क्या है, थोड़े से साइन आ रहे हैं, अब देखते हैं हम क्या है। तो अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है अपना एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा है भारत के अंदर उसे देखकर ये पता, जो आयात हो रहा है भारत के अंदर उसे देखकर ये पता चल रहा है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगा है भारत के अंदर, क्योंकि देखा गया है कि इंडिया में जो मशीनरी और मशीन टूल्स के जो आयात है वो बढ़ गया है, वो करीबन 14% से 8.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी कुछ मशीन के पार्ट्स आयात करवाती है, इंपोर्ट करवाती है बाहर से, उसके बाद वो कुछ बनाएगी और तब उसे एक्सपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली ये एक तरह से रिवाइवल का साइन है। अगला अगर हम
कोर देखें, कोर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें, जिसमें हम कोर में क्या करते हैं, हम ऑयल और गोल्ड को हटा देंगे, तो कोर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखेंगे तो वो फेल कर गया है, गिर गया है बाय मच लेस देन द ओवरऑल डिप इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, वो बहुत कम गिरा है, लेकिन ओवरऑल जब हम फॉरेन ट्रेड देखेंगे कोर का, जो हमारा एक्सपोर्ट्स है। और तीसरा जो पॉइंट साइन दिख रहा है, तो एन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन डोमेस्टिक ग्रोथ इन द सेकेंड हाफ 2023 इज एक्सपेक्टेड टू कीप ए चेक ऑन इंडियंस इम्पोर्ट। तो स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखने को मिला है कि इम्पोर्ट जो है भारत का वो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो एक तरह से स्टैग्नेंट बना हुआ है, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तो देखने को क्या मिलेगा सेकेंड हाफ में 2023 के, कि जो इंडिया का एक्स इम्पोर्ट है उस पर चेक रखने के लिए जो स्लो डाउन है वो हो सकता है भारत के अंदर आ जाए। बस आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं, धन्यवाद।